नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लेक्टर होम्योपैथी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन फेडरेशन काउंसिल जो हैं तो हमारे भाई बहन हैं, बहुत अच्छा कैंसर और बीमारियों पे रिसर्च भी जारी है। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट मेडिसिन शब्द कम यूज़ कर रही है लेटर्स में, RTA में वो हेल्थ केयर थेरेपी शब्द यूज़ कर रही है। ये भी पॉइंट अच्छी बात है, इसके भी प्रूज एंड कॉन्स है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कोई अपेक्स बॉडी है आपकी इलेक्ट्रोहोमोपैथी की, जिसका मतलब है कि कोई फादर ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी इंडिया में है। तो मैंने कहीं बार कहा है कि इंडिया में सारे इसके फादर हैं, क्योंकि हर एक का कंट्रीब्यूशन किसी पैरामीटर से नापा नहीं जा सकता। मान लीजिए कि मैं हूँ, सपोज मैं अपने आप को फादर कहूँ और मैं कहूँ कि मैंने 50 केस लगाए हैं किसी के विरुद्ध या अपने डिफेंस में, तो मैं फादर नहीं बन जाता। ऐसे ही मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च एक्टिविटी की है, जब तक वो रिसर्च एक्टिविटी कंसिडर नहीं होती तो फादर शब्द नहीं यूज होता, या मेरे को कोई उसकी एक्रीडेशन नहीं मिलती, कोई नोबल प्राइज़ नहीं मिलता, तो मैं अपने आप को कैसे फादर कह दूँगा, या कोई लड़की अपने आप को मदर कैसे कह सकती है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोपैथी ऑर्डिनरी मेडिसिन के दिमाग में हैं कि जो फाइट करता है गवर्नमेंट के साथ या वो स्टूडेंट के लिए फाइट किया या इनडायरेक्टली स्टूडेंट ने उसको फंसा दिया तो वो बली बकरी का बना, उसने सेक्रीफाइस बहुत किए हैं, ये कागजी बातें हैं। इनका लीगल एविडेंस का फादर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी के साथ कोई संबंध नहीं। बहुत सारे कहते हैं कि कुछ सो कॉल्ड जो पुराने दासू लीडर हैं हमारे इस फील्ड में, तो वो हमें मजबूर करते हैं कि आप जाम वर्दी से इलेक्ट्रोपैथी करके आओ, मगर इतना पैसा दो, हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि हमारा डाटा जाता है गवर्नमेंट को। तो मैंने पहले भी RTE डाल दी थी कि ऐसा कोई डाटा गवर्नमेंट मंगा नहीं रही। तो हमने पूछा कि DHR से कि फादर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी कोई है, तो आगे से उनका जवाब क्या आया मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। और दूसरी चीज़ मैंने पूछी, आपके साथ अगर मान लीजिए मीटिंग मैं करता हूँ या कोई ग्रुप करता है या 10-12 बंदे करते हैं या सेशन करते हैं, क्या आपने कोई ऐसा सर्कुलर नोटिफिकेशन लगाया है कि सिर्फ जो मीटिंग करते हैं सिर्फ उनके बच्चे और उनके स्टूडेंट ही कल को इलेक्ट्रोहोमोपैथी रिकॉग्नाइज हुई तो रजिस्टर होंगे, बाकी जिन्होंने मीटिंग नहीं की नहीं होंगे? ये बहुत फनी क्वेश्चन है, कौन पूछता है स्टूडेंट? मैंने उनको डाल दिया कि जो आपसे वार्तालाप करते आए हैं या करते नए भी आएंगे, क्या वही एलिजिबल होंगे अगर इलेक्ट्रोपैथी रिकॉग्नाइज हो गई या अल्टरनेटिव मेडिसिन? तो आगे से उन्होंने जवाब दिया नहीं। पहले का भी उन्होंने कहा कि फादर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी के बारे में हमारे कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट में नहीं है कि यह फलाना बंदा फादर है या दादा है या बहुत बड़ा दासू बंदा है या मदर है इलेक्ट्रोपैथी। दूसरे क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया कि नो सच ऑर्डर इज, ऐसा हमने सच कोई डिपार्टमेंट में नहीं, मैंने इसके ऊपर पहले भी लेटर लिखी थी, कहते जिस दिन रिकॉग्निशन होगी उस दिन सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मैंने लिखा था कि एज पर आर्टिकल 19(6)(g), 19(1)(g) ये हमारे माननीय फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट फॉर इक्वालिटी मीन्स बराबरता का हक, एज फार एज जस्टिस इज कंसर्न, एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, आप जिस मर्जी कास्ट के हो, आप किसी मर्जी ग्रुप के हो, क्रीड के, आपको इंडिया फेडरल सिस्टम में बराबर का हक मिलेगा, बराबर का इंसेंसिटिव नहीं होगा। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अब आ जाता हूँ मैं तीसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था। तीसरा मैंने पूछा था जो
क्योंकि मैं 3-in-1 बना दिया कि लीगल स्टेटस ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी का इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोपैथी आज की डेट में तो बता दीजिए मेरे। तो मैंने कहा लीगल स्टेटस क्या है, लोग बार बार व्हाट्सएप पे पा रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी रिकॉग्नाइज हो गई, अल्टरनेटिव मेडिसिन रिकॉग्नाइज हो गई, फलाना दे देता है केरला के कोर्ट का, फलाना दे रहा है महाराष्ट्र का, फलाना दे रहा है अखबार की कटिंग, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक्ट नहीं बनाया तो क्या स्टेट ने किसी ने एक्ट बनाया तो इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं हुआ। एक्यूपंक्चर का एक्ट महाराष्ट्र में बना, पास हुआ। एक्यूपंक्चर के बारे में नोटिफिकेशन आया ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का, मगर अभी रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं है। इलेक्ट्रोपैथी की भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, नेचुरोपैथी की भी इलेक्ट्रो बॉडी नहीं है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि अंडर प्रोसेस है, कि अभी तक आज की डेट में इलेक्ट्रोपैथी, या पहले तो कहते ये बताइए अल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत थेरेपीज आती हैं, अभी तक अंडर कंसिडरेशन है, यानी कि इसकी रिकॉग्निशन होनी बाकी है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हमारे कॉपीराइट रिजर्व है, किसी भी लेटर से एडिट करके छेड़खानी करके अगर कोई अपनी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करता है विदाउट अवर कंसेंट तो उसके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए चीज़ें डालते हैं, उसको कमर्शियल पर्पस के लिए डालना, जैसे कि किसी बंदे ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम फेडरल रख लिया, तो मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये फेडरल आपकी फेडरेशन वाले हैं, क्योंकि उसने मार्कशीट पे भी वो चीज़ उठा ली है। तो मैंने कहा कि फेडरल का मतलब तो हमारी कोई ऐसी ब्रांच नहीं है कि जो अपने नाम के आगे फेडरल लिखती हो। फेडरल का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कनाडा, कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री दो तरह की है, PNP प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, प्रोविंस होता है जैसे स्टेट्स हैं, रीजन है, और फेडरल होता है यूनाइटेड प्रोविंस सभी। अब फेडरल का मतलब इसने भी डाला है तो नेचुरली फेडरल का मीनिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारों ने स्टेट लफ्ज़ भी डाला है जो सोसाइटी एक्ट के अंडर इलीगल वर्ड है। फेडरल का मतलब होता है हैविंग और रिलेटिंग टू ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सेवरल स्टेट फॉर्म ए यूनिटी बट रिमेन इंडिपेंडेंट इन द इंटरनल अफेयर्स। सो इट्स लुक फनी टू यूज फेडरल वर्ड। मैं किसी को आघात नहीं पहुँचाना चाहता, मगर कोई हमारे नाम के नज़दीक भी आता है तो हम अपने ऑडियंस को बता दें उसने क्या रखा, हमने क्या रखा। रखने को तो जो मर्जी, मैं रख लूँ अपना नाम शाहरुख तो मेरा नाम शाहरुख थोड़ा बन जाएगा, मैं शाहरुख थोड़ा हो जाऊँगा, उसके लिए वो एक्टिंग चाहिए, क्रेडेंशियल चाहिए। या मैं शाहरुख ही रख दूँ तो शाहरुख के नज़दीक वो भी नहीं आ पाएगा। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।